सब्सक्राइब करें टेक सर्वाइवल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है एहसन अली और आप देख रहे हैं टेक सर्वाइवल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं MIUI 10 के बारे में। इसमें जो 8.12.13 जो कि हमें अपडेट अब मिलने वाली है, कुछ अपडेट्स में शायद एडवाइस में मिल भी चुकी हो, तो इस बारे में आज हम बात कर लेते हैं कि भाई हम इसमें पोर्ट्रेट मोड मिलेगा या इसमें क्या कुछ नया मिलने वाला है या इसके चेंज लॉग के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात को वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि भाई मेरा जो मोबाइल है जो वो गया खराब, तो इसी वजह से मैं आपके सामने आकर ये जो वीडियो होती है, पहले मैं जो कि आप देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियोस में आपके कैमरा के सामने आकर बनाता था, अब इसीलिए मैं कंप्यूटर में वीडियो बना रहा हूं। तो इसीलिए सॉरी मैं कहना चाहूंगा कि बस कुछ ही दिनों की बात है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें तो उसके बाद मैं दोबारा से कैमरे के सामने ही आकर वीडियो बनाऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके साथ ये बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरी आने वाली अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं बात करने वाला हूं MIUI 10 के जो भी हमें जो भी मिला है, हमने रूम मिला है 8.12.13। तो फ्रेंड्स, इसमें काफी बग फिक्सेस मिले हैं, उसके साथ हमें ऑप्टिमाइजेशंस मिली हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको पोर्ट्रेट मोड के बारे में अगर बताता चलूं, भाई पोर्ट्रेट मोड पर आजकल काफी बातचीत करी है कि पोर्ट्रेट मोड हमें मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला, तो इस बारे में मैं आज सबसे पहले आपको बताने वाला हूं। तो भाई सुन लो आप ध्यान से, पोर्ट्रेट मोड, भाई पोर्ट्रेट मोड हमें कुछ डिवाइसेज में, ये जो 8.12.13 है ये कुछ डिवाइसेज में हमें मिलने वाला है, मतलब कुछ डिवाइसेज की मैं बात कर रहा हूँ, शायद ये रैंडमली है, मतलब कुछ डिवाइसेज में मिल जाए और शायद कुछ डिवाइसेज में ना मिले। तो अब आप मेरी ये बात समझ गए होंगे। और इस अपडेट में हमें न्यू सिक्योरिटी पैच लेवल मिलने वाला है जो के दिसंबर का होगा 2000, मतलब फर्स्ट दिसंबर का 2019 ऐसे कुछ होगा, इसमें लेटेस्ट होगा मतलब के। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूं इसके बारे में, हाइलाइट्स के बारे में, तो हाइलाइट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स ये काफी फिक्सेस हैं इसमें, तो मैं इसके सामने आपके सामने ऐसा ऐसा एक्सप्लेन कर देता हूं। और उसके बाद मैं बताता हूं कि इसमें जो सिस्टम में जो भी बताया गया है, फिक्स किया गया है इसमें, सबसे पहले जो कि हम जैसे कि जब कोई भी हम पैकेज वगैरह अपने रूम से इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि हम अपने अबाउट फोन में जाकर अपनी इंस्टॉलेशन करते हैं, मतलब कोई भी अपडेट आई होती है तो वहां पर जब हम खुद से अपना पैकेज इंस्टॉल करते थे वहां पर हमें वो डिक्रिप्टिंग होने में काफी मतलब कि उसमें मुश्किलात से इशू आ रहे थे, तो उन्हें फिक्स किया गया है। और उसके साथ जो भी होता है, हमें जब डबल प्रेस करते थे, मतलब एक तरह से हमारी फ्लैश लाइट थी हम उस पर प्रेस करते थे तो वो हमें टर्न ऑन या टर्न ऑफ में काफी मुश्किलात कर रही थी, तो इसी वजह से अब इसमें इसे कर दिया गया है फिक्स। और उसके बाद डिस्प्ले में वही था, इसमें स्क्रीन फिल्टर वाइल था, मतलब काफी उसमें थोड़े से मुश्किलात थी तो उन्हें भी किया गया है। और ये जो था ये पोको F1 में था, मतलब कि हर डिवाइस में नहीं था, पोको F1 में था। और उसके साथ पोको F1 में एक और भी प्रॉब्लम थी जो कि थी टच स्क्रीन, मतलब कि जो भी टच स्क्रीन का जो भी रिस्पॉन्स था वो बहुत स्लोली था, मतलब कि अगर हम कोई एप्लीकेशन वगैरह कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, या अगर उसके साथ हम कोई दूसरे पेज पर जंप करते हैं तो इस दौरान हमारी जो स्क्रीन थी वो बहुत ही स्लो वर्क करती थी, जैसे कि मतलब क्या बोलूँ मैं आपको। और उसके बाद फ्रेंड्स, इस अपडेट में न्यू फीचर, न्यू वीडियो जो प्लेयर है वो हमें एक तरह से मिला है, और इसके साथ अकेला वीडियो प्लेयर ही नहीं मिला, उसमें हमें जो भी है 19 कैटेगरीज नई इस ऐप में ऐड की गई हैं, जैसे कि मैं आपको बताता चलूं कि वॉच, न्यूज, जैसे कि ट्रेलर, स्पोर्ट्स वगैरह, इसकी न्यू एंटरटेनमेंट की जो भी कैटेगरीज होती हैं वो अब हमारे लिए अवेलेबल कर दी गई हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद अगर मैं बात आपको बताना चाहूँ इसके बारे में मजीद, तो ये तो मैंने इसके सामने आपके लिए हाईलाइट कर दिया है। और उसके बाद भाई मैं आपको बताता चलूँ, ये जो अपडेट है स्क्रीन, मतलब कि ये जो Redmi Note 5 Pro के जो यूजर्स है उनके लिए, ये जो लॉक स्क्रीन का मतलब आ रहा था, मतलब लॉक स्क्रीन करते थे या अनलॉक करते थे तो उसकी जो स्क्रीन थी वो ब्लैक हो जाती थी, मतलब कि वो सही से वर्क नहीं करता था, तो इस दौरान उसे भी कर दिया गया है, एक तरह से अच्छा कर दिया गया है, उसे भी मतलब फिक्स किया गया है, जो कि अब जो भी अब इसमें आएगी अपडेट वगैरह, ये मतलब उसमें कोई चक्कर होगा तो वो अब इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। और उसके बाद भाई मैंने ये जो हमें बग फिक्सेस वगैरह मिले हैं ये तो मैंने आपके सामने सारे के सारे कर दिए हैं। और उसके साथ फ्रेंड्स, काफी मोबाइल्स में जो कि क्लॉक थी उसका प्रॉब्लम आ रहा था अलार्म का, कि भाई हम अलार्म लगाते थे हमारा अलार्म नहीं बजता था, तो इस दौरान काफी यूजर्स को दो दो तीन तीन जो होते हैं अलार्म लगाने पड़ते थे, शायद भाई इतने बजे बज जाए इतने बजे बज जाए, तो इससे भी अब फिक्स कर दिया गया है इस अपडेट में। और उसके बाद फ्रेंड्स, अगर मैं आपके सामने शो करूं, मतलब इसके सामने मजीद मतलब आपको बताना चाहूं इस 8.12.13 की अपडेट के बारे में, तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं इसके में काफी मतलब डिवाइसेज हैं जिनको ये पोर्ट्रेट मोड तो मिलेगा, मैं पोर्ट्रेट मोड की बात करूं, पोर्ट्रेट मोड काफी डिवाइसेस को मिलेगा, मगर इनमें कुछ डिवाइसेज ऐसी हैं जिनको ये अपडेट ही नहीं मिलेगी, क्योंकि जो कि मैं आपको अब बताता चलूं,
अब आप ध्यान से सुन लीजिए, जो कि मेरी डिवाइसेज हैं, ऐसी कोई ऐसी भी कुछ डिवाइसेज हैं जिनको ये नहीं मिलेगा, मतलब Redmi 5 और Redmi Note 5, ये जो डिवाइसेज हैं इनको ना तो वीकली, मतलब काफी अपडेट्स इसमें आने वाली हैं जो कि सस्पेंड कर दी गई हैं, मतलब कि इन पर एक तरह से जैसे Redmi Y1 का काम हो रहा है, इनको मतलब इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा इस हिसाब से। इसकी जो अपडेट थी शायद उसमें, मैं ये बात नहीं कर रहा कि इसमें मतलब कि हमें इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, मैंने बोला है तो ये चक्कर नहीं है, शायद इसमें कोई प्रॉब्लम हो या बग हो या कुछ ऐसा चक्कर हो जिसकी वजह से हमें अपडेट नहीं मिल रही। तो ये जो अपडेट है ये भी उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ दूसरी डिवाइस, काफी डिवाइस में मिलेगी Redmi के, मगर ये जो Redmi 5 और Redmi Note 5 है इसमें ये अपडेट फ्रेंड्स नहीं मिलने वाली, कोशिश करने के लिए नीड नहीं है। तो अगर आप ये चाहते हैं, मगर अगर आप ये फिर भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो फिर मैं आप मुझे कमेंट में बॉक्स में छोड़ दीजिए मैसेज, मैं इसके लिए आपकी लिंक दे दूंगा, आप खुद से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो सारा चेंज लॉग था मैंने आपके सामने शो कर दिया है, तो उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो भाई अब तो एक लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब मेरी अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।